हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज के बारे में, किस तरीके से रशिया में 18th सेंचुरी में या फिर 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी और उसमें सोशल चेंज किस तरीके से आया। सो दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइन ऑफ अ न्यू टाइम। इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। इट वॉज अ टाइम वेन न्यू सिटीज केम अप and new industrialized regions developed, railways expanded, and the industrial revolution occurred. Industrialization brought men, women, and children into factories. Work hours were often long and wages were poor. Unemployment was common, particularly during times of low demand of industrial goods. Housing and sanitization were problems since towns were growing rapidly. Liberals and radicals searched for the solution to these issues. So, उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन का एंड हुआ तो उस टाइम पे रशिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर कर रहा था, जिसकी वजह से रेलवेज एक्सपैंड कर रही थी, इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो डेवलप हो रहे थे, नई सिटीज बन रही थी। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि सिटीज में बहुत सारे मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आए और उन्हें फैक्ट्री में काम मिलने लगा। लेकिन जो वर्किंग आवर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, उनकी वेजेस बहुत पुअर थी एंड अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे उस टाइम पे कॉमन हो रही थी, क्योंकि जो जो लोग पहले आ गए उनको जॉब्स मिल गई, लेकिन जो लोग थोड़ी देर में पहुँचे उनको जॉब्स नहीं मिल रही थी, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। और पर्टिकुलरली उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाती थी जब इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड नहीं होती थी। जैसे डिमांड जो है वो सीजन टू सीजन डिपेंड करती है, उसी तरीके से फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी इस तरीके से अफेक्ट होती है। अब हाउसिंग एंड सैनिटेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि टाउन प्लानिंग तो थी नहीं, मतलब ऐसी उम्मीद तो थी नहीं कि जो काम है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, थोड़े से टाइम में ही बढ़ जाएगा, तो किसी टाइप की प्लानिंग नहीं थी। तो इसकी वजह से वहाँ पे हाउसिंग और सैनिटेशन के इश्यूज उठने लगे एंड लिबरल्स और रेडिकल्स जो हैं वो इनके सोल्यूशन चाहते थे कि इनके जो सोल्यूशन है वो एज सून एज पॉसिबल पुटअप किए जा सके एंड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स, हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स। दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी एनकरेज एंड दैट इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव्ड इफ द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी वॉज हेल्दी एंड सिटीजन्स वर एडुकेटेड। Opposed to the privileges the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprise. If freedom of individuals was ensured, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believed that society would help many working men and women who wanted changes in the world. Rallied around liberal and radical group and parties in the early 19th century. So, यहाँ पे आपको बताया है कि liberals and radicals जो हैं वो खुद property of individuals थे, यानी कि उनके पास अच्छी खासी property थी, उनके पास अच्छा खासा पैसा था and उन लोगों ने इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा वेल्थ जो है वो कमाई थी, ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल वेंचर्स से उन्होंने बहुत ज़्यादा वेल्थ कमाई थी और वो ये सोच रहे थे कि इस चीज़ को और भी ज़्यादा एनकरेज करना चाहिए। मतलब कि अगर वो अपने वर्क फोर्स को हेल्दी रखें एंड अपने सिटीजन्स को एडुकेटेड बनाएं तो ऐसे में उनको और लेबर मिलेगी। उनको और लेबर मिलने की वजह से क्या होगा कि उनकी जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, मतलब कंट्री की जो इकोनॉमी है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन वो साथ के साथ ये भी कहते थे कि हमें प्रिविलेज जो देना है वो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी के हिसाब से नहीं देना है, हमें बर्थ के हिसाब से नहीं देना है, हमें इंडिविजुअल की वैल्यू के हिसाब से देना है कि वो कितना मेरिटोरियस पर्सन है। ठीक है, वो कहते थे कि लेबर एंड एंटरप्राइज जो है उसकी वैल्यूएशन हमेशा एफर्ट के साथ होनी चाहिए, कभी भी बर्थ एंड एरिस्टोक्रेसी के साथ नहीं होनी चाहिए। वो कहते थे कि इंडिविजुअल्स को अगर फ्रीडम दी जाए, पुअर लोगों को अगर लेबर का काम दिया जाए,
एंड कैपिटलिस्ट जो है उनको ऑपरेट करने को दी जाए इंडस्ट्रीज विदाउट एनी रिस्ट्रेन, तो वो समझते थे कि जो सोसाइटी है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो सकती है। एंड बहुत सारे मेन विमेन जो भी हमारे वर्ल्ड में कुछ चेंज चाहते थे वो इन लिबरल्स को और रेडिकल्स को बहुत ध्यान से सुन रहे थे, बहुत ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि इनके होने की वजह से सोसाइटी में चेंजेस आ सकते हैं। सम नेशनलिस्ट लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रेवोल्यूशन टू पुट एन एंड एट दी सॉरी टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया दे बिकेम रेवोल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स जो है वो चाहते थे कि गवर्नमेंट कुछ इस तरीके की हो जो कि यूरोप में 1815 में थी। फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया में रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो बहुत सारे बन गए थे जिन्होंने मोनार्क को ओवरथ्रो कर दिया था, यानी कि जो मोनार्कीज हैं वो उन्होंने खत्म करवा दी थी। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है के लिबरल्स एंड रेडिकल्स जो हैं वो अपना प्रॉफिट तो चाहते ही थे, लेकिन वो साथ के साथ क्या चाहते थे कि जो पुअर लोग हैं उनको भी उनके राइट्स मिलें एंड उनको भी कुछ प्रिविलेजेस मिल सके। और वो क्या चाहते थे कि उनकी भी जो गवर्नमेंट है वो मोनार्की से बाहर निकल के रेवोल्यूशनरीज की तरफ जाए। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रेवोल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशन वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट्स। आफ्टर 1815 मेजिनी एंड इटालियन नेशनलिस्ट कंस्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रेड हिज राइटिंग। अब नेशनलिस्ट जो थे वो चाहते थे कि उनके जो सिटीजन्स हैं, यानी कि वो जो नेशन बनाएंगे उनके जो सिटीजन्स हैं उनको इक्वल राइट्स मिलेंगे, सभी को इक्वल राइट्स मिलेंगे। एंड 1815 के बाद गजीपी मजीनी जो कि एक इटालियन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने बाकी जो लोग हैं उनके साथ मिलके अपने इस ड्रीम को अचीव किया था इटली में। एंड जितने भी नेशनलिस्ट थे इंक्लूडिंग इंडिया के, वो सारे के सारे इनकी राइटिंग्स को पढ़ते थे, यानी कि सारे के सारे नेशनलिस्ट यानी कि जो जो भी लोग चाहते थे कि उनकी कंट्री जो है वो एक नेशन बन जाए, उनका अपना नेशन बन जाए, तो वो मजीनी की राइटिंग्स को पढ़ा करते थे। यानी कि गिजीपी मजीनी जो है उन्होंने इटली को नेशनलिस्ट जो गवर्नमेंट है उसमें उन्होंने उनको कन्वर्ट कर लिया था, अपना एक नेशन बना लिया था। ठीक है, और अपने उस नेशन में वो राज करते थे और नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसको भी इटली में काफी ज्यादा स्प्रेड करते थे। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड वॉज सोशलिज्म बाई द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप। सोशलिज्म वॉज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। तो अगर हम मिड 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो यूरोप में सोशलिज्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था एंड पूरे के पूरे इस नेशन में सोशलिज्म को डिस्कस किया जा रहा था। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। व्हाई? इंडिविजुअल्स ओन्ड द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट, बट द प्रॉपर्टी वर कंसर्न्ड ओनली विद द पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। सो इफ सोसाइटी वॉज होल रादर देन सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल प्रॉपर्टी, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। सोशलिस्ट वॉन्टेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। अब सोशलिस्ट लोग जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा है लिबरल्स के बारे में और रेडिकल्स के बारे में। तो ये दोनों ही जो ग्रुप्स हैं ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, ठीक है, लेकिन जो सोशलिस्ट लोग हैं वो इस चीज के अगेंस्ट थे और वो कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही सारी फसाद का जड़ है, यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सारी की सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से ही हो रही है। वो कहते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को लोग ओन करते हैं वो ही एम्प्लॉयमेंट देते हैं,
और जब ये लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो अपने पर्सनल गेन के लिए देते हैं। जो लोग उनकी फैक्ट्री को या फिर इंडस्ट्री को प्रोडक्टिव बना रहे हैं उनके वेलफेयर के बारे में ये प्रॉपर्टी ओनर नहीं सोचते हैं। सो उन्होंने कहा कि अगर हम सोसाइटी को एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि एक होल सिस्टम की तरह लें तो ज्यादा अटेंशन जो है वो हमें सोशल इंटरेस्ट पे देनी चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट पे नहीं। तो इसलिए वो चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म किया जाए एंड जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनको शेयर किया जाए, जितने गरीब लोग हैं उनके बीच में भी। और इसी चीज के लिए उन्होंने फिर कैंपेन भी किया, यानी कि उन्होंने बहुत ज्यादा इस चीज को प्रमोट किया। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। सो अगर किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो जो सोसाइटी है वो ऑपरेट कैसे करेगी, एंड ये जो सोशलिस्ट सोसाइटी है इनके बेसिस क्या थे, तो वो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर, सम बिलीव इन द आइडिया ऑफ कॉपरेटिव। रॉबर्ट ओवन, जिनके लाइफ जो है वो रही है 1771 से लेके 1858 तक, अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, सॉट टू बिल्ड अ कॉपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी ऑफ इंडियाना, यूएसए। इंडियाना जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट है, एक स्टेट है यूएसए में, ठीक है। तो अगर हम सोशलिस्ट की बात करते हैं, उनकी जो विजन है वो कुछ डिफरेंट थी फ्यूचर के लिए, एंड वो बिलीव करते थे कॉपरेटिव सोसाइटी में। कॉपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? कॉपरेटिव सोसाइटी का मतलब ये है कि मान लीजिए कि फाइव फ्रेंड्स हैं एंड सबके पास डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड ए बी सी डी एंड ई है, इन सभी के पास 50-50,000 रुपीज है। तो अगर हम इसको फाइव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 2.5 लाख। अब एक इंडिविजुअल ऐसा है जो कि चाहता है कि वो अपनी इंडस्ट्री को लॉन्च करे, ठीक है, एंड जो इंडस्ट्री है उसको लॉन्च करने के लिए 1.5 लाख रुपीज का खर्च आता है। अब इस इंडिविजुअल के पास तो कितना है? 50,000 रुपीज, ठीक है, लेकिन अब पांचों को मिला के कितना हो गया है? 2.5 लाख रुपीज। तो ऐसे में वो क्या करता है कि अपने पांचों फ्रेंड्स के पास जाता है और उनको बोलता है कि मुझे हेल्प की जरूरत है, क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो? तो वो बोले कि हाँ ठीक है, हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं और ऐसे में हम क्या करेंगे कि जितना तुझे पैसा चाहिए उतना हम अरेंज कर लेते हैं। अब जितना भी प्रॉफिट बनेगा वो हम सब में इक्वली वो होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंड जहां जहां पे तुझे हेल्प की जरूरत पड़ेगी वहां पे हम तुझे हेल्प भी कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, इंडिविजुअल के पास 50,000 रुपीज थे बट स्टिल वो 1.5 लाख रुपीज की इंडस्ट्री जो है उसको स्टार्ट कर पाया, एंड प्रॉफिट जो है वो उसने सिर्फ अपने पास नहीं रखा, प्रॉफिट उसने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया। अब अगर मैं आपको इंडिया की किसी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताता हूं, तो इंडिया की जो सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका नाम है अमूल, ठीक है। अमूल के बटर आप लोग खाते हैं, घी खाते हैं, फ्लेवर्ड मिल्क पीते हैं, तो अमूल जो है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। वेरका एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। मदर इंडिया एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। सो इस तरीके से काम किया जाता है। ओके, सो इस चीज की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट ओवन ने। ओके, रॉबर्ट ओवन ने ये वाला जो आइडिया है ये डिस्क्राइब किया था। अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कोऑपरेटिव्स कुड नॉट बी बिल्ड ऑन अ वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव। दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट्स एनकरेज कोऑपरेटिव्स इन फ्रांस। फॉर इंस्टेंस, लुई ब्लैंक, अगेन मैं कहूंगा ये लुइस नहीं है, इट इज लुई, लुई ब्लैंक वॉन्टेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। तो अब जो सोशलिस्ट लोग हैं वो ये सोच रहे थे कि रॉबर्ट ओवन का जो आइडिया है वो इंडिविजुअली वर्क नहीं कर सकता, इसको लार्ज स्केल में अगर लेके जाना है तो हमें गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा कि आप इस तरीके के कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करो। तो फ्रांस में क्या हुआ कि लुई ब्लैंक जो है उन्होंने जो गवर्नमेंट है उनके सामने ये बात रखी कि कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस को हटा के आपको कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करना चाहिए। These cooperatives were to be the association of people who produced goods together and divided the property and divide the profits according to the work done by the members.
तो ऐसे में क्या होगा, अगर ऐसी कॉपरेटिव्स बनेंगी तो ऐसे में लोगों के जो एसोसिएशन होंगे वो ध्यान रखेंगे कि किस इंडिविजुअल ने कितना काम किया है, और फिर उस हिसाब से जो प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा बिटवीन दी मेंबर्स। अब अगर मैं आप लोगों को अमूल के बारे में ही बताऊं, लास्ट ईयर अमूल ने एक बूढ़ी औरत है, उनका उनकी एज वुड बी नियर अबाउट 84 ईयर्स, ठीक है। सो उनका जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट बना था दैट वाज 87 लाख रुपीज, ठीक है। शी हैज नियर अबाउट 300 काउ और बफलोज, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारा जो मिल्क है उन काउ एंड बफलो का वो अमूल को प्रोवाइड किया था। अमूल ने जितना प्रॉफिट क्रिएट किया उसकी कुछ परसेंटेज उन्होंने उन वो जो लेडी हैं उनको दिया, एंड दैट प्रॉफिट वाज नियर अबाउट 87 लाख रुपीज। नाउ जस्ट इमेजिन के 84 ईयर्स की लेडी के लिए एक साल का 87 लाख रुपीज, यानी कि एक महीने का मोर देन 5.5 लाख रुपीज, बहुत ज्यादा है उनके लिए, ठीक है। बट क्योंकि उन्होंने काम किया था तो इस वजह से उनको प्रॉफिट दिया गया। अब ऐसा भी हो सकता था कि अमूल उनको प्रॉफिट ना देती, ठीक है, लेकिन अमूल जो है वो एक कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज नहीं है, वो एक कॉपरेटिव है। तो उनका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके से है, कंपनी का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके से है कि उन्हें अपने हर एक वेंडर को अपना जो प्रॉफिट है वो शेयर करना पड़ता है, तो इस वजह से उन्होंने उनको शेयर किया। सो आगे बढ़ते हैं, ये वाला पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कार्ल मार्क्स के बारे में बात हुई है, इंपॉर्टेंट ये वाला पैराग्राफ भी है क्योंकि यहाँ पे रॉबर्ट ओवन एंड लुई ब्लैंक के बारे में बात हुई है, लेकिन कार्ल मार्क्स वाला पैराग्राफ जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहां पे पढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स एडेड अदर आइडियाज टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट ओन दी कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर्स। कार्ल मार्क्स एंड उनका ही एक साथ में सपोर्टर जो है जिनका नाम है फ्रेडरिक एंजल्स, तो ये क्या करते थे, इन दोनों का एक आइडिया था एंड इन्होंने इस चीज के लिए आर्ग्यूमेंट भी किया, यानी कि इस पैराग्राफ को फर्दर फॉरवर्ड ये लेके गए, फ्रंट फुट पे ये लेके गए। इन्होंने कहा कि कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो इंडस्ट्रीज को ओन करते हैं, वो अपना पैसा जो है वो फैक्ट्रीज में लगाते हैं, एंड प्रॉफिट जो होता है वो वर्कर कमा के देते हैं, ठीक है। यानी कि फैक्ट्री लगाने का काम, पैसा लगाने का काम किसका है, कैपिटलिस्ट का। लेकिन प्रोड्यूस जो है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना के प्रॉफिट कैपिटलिस्ट को देने का काम कौन करते हैं, वर्कर्स। द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज अक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। उन्होंने कहा वर्कर्स की जो कंडीशन है वो तब तक इम्प्रूव नहीं की जा सकती है जब तक ये प्राइवेट कैपिटलिस्ट प्रॉफिट को शेयर नहीं करते हैं। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड। तो ऐसे में कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा कि वर्कर्स जो है उन्हें इन प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स को ओवरथ्रो कर देना चाहिए, एंड मार्क्स ने कहा कि अगर वर्कर्स चाहते हैं कि उनकी एक्सप्लॉयटेशन जो कि कैपिटलिस्ट कर रहे हैं, अगर वर्कर्स इन चीजों से बाहर आना चाहते हैं तो उन्हें एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी जो कि प्रॉपर्टीज को सोशली कंट्रोल करेगी, ठीक है। यानी कि जो फैक्ट्री ओनर है अगर वो फैक्ट्री बनाना चाहता है तो वो बनाए, लेकिन वर्कर्स जो है उनको उनके प्रॉफिट का शेयर भी दे। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, ठीक है, और ऐसे में एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बन जाएगी। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रायम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। और उसका मानना था कि अगर वर्कर्स ने ऐसा ठान लिया कि हम तो इसी तरीके को अपनाएंगे तो वो इजीली कैपिटलिस्ट जो है उनके ऊपर ट्रायम्फ कर सकते हैं, यानी कि उनको जीत सकते हैं, यानी कि जो कैपिटलिस्ट है वो हार जाएंगे एंड वर्कर्स जो है वो जीत जाएंगे। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। लेकिन सोशलिज्म के नाम पे अगर ये चीज होने लग जाए तो ये तो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बन जाती है, ठीक है। और अगर कार्ल मार्क्स का ये आइडिया लोग मान लेते
तो वो सोशलिस्ट इनिशियली होते, लेकिन बाद में वो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बन जाते जहां पे आपको हमेशा वर्कर्स की अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती है। सो द लास्ट पैराग्राफ वी हैव फॉर द डे इज सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। आई नो वीडियो जो है वो बड़ी हो गई है, काफी ज्यादा बड़ी हो गई है, बट ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है आज का। सो इसको पढ़ के खत्म करते हैं। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, सोशलिज्म का सपोर्ट किस तरीके से मिलने लगा? बाय 1870s सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स। सोशलिस्ट फॉर्म एंड इंटरनेशनल बॉडी नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल। अब 1870s की अगर हम बात करें तो सोशलिस्ट आइडिया जो है वो पूरे के पूरे यूरोप में स्प्रेड कर गया, एंड इस चीज को अच्छे से कोऑर्डिनेट करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई जिसका नाम था द सेकेंड इंटरनेशनल। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगिन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट। इंग्लैंड एंड जर्मनी के जो वर्कर्स हैं उन्होंने अपनी एसोसिएशन बनानी स्टार्ट कर दी, एंड इन एसोसिएशंस का काम ये होता था कि ये अपनी बेटर लिविंग एंड अच्छे वर्किंग कंडीशंस के लिए फाइट करते थे। फाइट इन द सेंस के अपील करते थे जो कैपिटलिस्ट लोग होते थे, जो जो फैक्ट्री ओनर्स होते थे, इंडस्ट्री ओनर्स होते थे, उनके सामने अपनी बातें रखते थे। दे सेट अप फंड टू हेल्प मेंबर्स एंड अगर उनके जो फेलो वर्कर्स हैं या फिर उनकी इंडस्ट्री के जो फेलो यू कैन से एसोसिएशंस हैं, अगर वो कभी प्रॉब्लम में आते थे तो वो उनका सॉल्यूशन भी निकाल के देते थे, चाहे उनको फाइनेंशियल इशू हो या फिर उनको अपना कोई राइट का इशू हो, ठीक है। एंड साथ ही साथ वो क्या चाहते थे कि जो उनके वर्किंग आवर्स हैं वो भी कम हो एंड उनको राइट टू वोट भी मिले, ठीक है। सो जो एसोसिएशंस हैं वो क्या क्या कर रही थी? बेटर लिविंग के लिए फाइट कर रही थी, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो उनके लिए फाइट कर रही थी, वर्किंग आवर्स में रिडक्शन हो इसके लिए फाइट कर रही थी, राइट टू वोट के लिए फाइट कर रही थी, एंड उनके जो फेलो एसोसिएशंस है अगर उनमें कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उनके भी सॉल्यूशंस निकाल रही थी। इन जर्मनी दीज एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद दी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी विच इज SPD एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स। जर्मनी की जो एसोसिएशंस थी जैसे कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, उन्होंने इनकी हेल्प की एंड ये लोग पार्लियामेंट्री सीट जीत पाए। बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड अ सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। एंड देन इसके बाद क्या हुआ कि सोशलिस्ट और जो ट्रेड यूनियन वाले थे इन दोनों ने आपस में मिलके एक पार्टी बनाई जो कि ब्रिटेन में थी जिसका नाम था लेबर पार्टी, और एक पार्टी इन्होंने फ्रांस में बनाई जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। सो 1914 तक, 1905 से लेके 1914 तक सोशलिस्ट जो हैं वो कभी भी अपनी गवर्नमेंट यूरोप में नहीं बना पाए। रिप्रेजेंटेटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स देयर आइडियाज डिड शेप लेजिस्लेशन, बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। अब जो ये पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है उनको सोशलिस्ट जो है वो रिप्रेजेंट तो कर पाते थे, एंड उनके जो आइडियाज हैं वो लेजिस्लेचर में भी शेप अप हो पाए, यानी कि कुछ रूल्स जो हैं वो वर्कर्स के लिए भी बन पाए, लेकिन गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूस बट गवर्नमेंट को कॉन्टिन्यूसली कौन चलाते रहे? कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम रशियन रेवोल्यूशन को और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।